नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। यदि आप कुछ लाइफ में नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पक्षी होते हैं जो घर में आ जाने पर परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता। आज हम आपको 5 ऐसी पक्षियों के बारे में बता रहे हैं जो कि गलती से भी यदि आपके घर में आ जाएं तो अंजाम बुरा हो सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन 5 पक्षियों का घर में होना बहुत ही अशुभ घटना होती है। आपको बता दें, हालांकि ये अंधविश्वास है या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन प्राचीन काल से ही लोग इस परंपरा को और स्थानीय लोग इस मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी सही मानते आए हैं। तो ऐसे में जानते हैं वे 5 पक्षी कौन से हैं जो घर में आ जाने से पूरा घर ही कंगाल बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, पहला, एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार घर के अंदर अगर चमगादड़ घुस जाए तो उस घर में बीमारियां, मौत और बर्बादी अपना बसेरा बना लेती है। वहीं कई लोग का ऐसा भी मानना है कि घर में चमगादड़ों का बसेरा होने से परिवार टूट कर बिखर जाता है, छा जाती है घर में मनुष्यत। दूसरा, कौवा। कौवा यदि बार बार घर में आने लगे और घोंसला बनाने लगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। वहीं सपनों में कौवे का आना भी कई तरह के संकेत दे सकता है, जैसे सपनों में कौवों की आवाज़ सुनाई देना या घर में बैठकर देखना कहीं से अशुभ समाचार आने का संकेत होता है। इसलिए यदि आपके घर में बार बार कौवा आ रहा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। तीसरा, ऐसी मान्यता है कि टिटहरी जिस दिन पेड़ पर या किसी के घर में अचानक से रहने लगे तो कहीं से भूकंप आने के संकेत होते हैं, क्योंकि यह पक्षी हमेशा जमीन पर ही रहते हैं और जमीन पर ही अपने अंडे देते हैं। इनका घर में अचानक बैठना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। चौथी बात, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में कबूतर या छोटी छोटी चिड़ियों ने घोंसला बना दिया है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस घर में माता लक्ष्मी होने के सबूत हैं। ऐसे घर में कभी भी परेशानी नहीं आती बल्कि खुशियों का तांता लग जाता है। आइए बात कर लेते हैं पांचवी यानी उल्लू का आना। यदि आपके घर में बार बार उल्लू चलाता है और बार बार एक ही दिशा में चिल्लाता रहता है तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक दो बार घर में उल्लू आने पर घर में खुशियाँ आती हैं और वहीं बार बार यदि ये आते हैं तो बर्बादी का लक्षण लेके आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये थे ऐसे 5 पक्षी जो आपके घर में आ जाते हैं तो आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।